वहाँ का देखो रिसाइकल की ये सिंक कॉमन सेंस है कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आरती आपका आपके अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ मैं अपना जो मैंने नई जगह शिफ्ट हुई हूँ मैं वहाँ का वो अपार्टमेंट दिखाऊंगी आपको। और ये जगह कौन सी है, मतलब ये सिटी कौन सी है, इसके लिए मैं आपको बहुत सारे हिंट दूंगी। तो आप गैस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये सिटी कौन सी है। पहला हिंट है आपको, मतलब ये पूरे व्लॉग में बहुत सारे हिंट्स आएंगे। सॉरी, यहाँ पर बहुत ट्रांसपोर्टेशन हो रही है जिसकी वजह से आवाज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब नॉइस आ सकती है आपको। तो पहला हिंट है कि ये जो सिटी है ये दो बड़े बड़े स्टेट्स की कैपिटल है, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया फर्स्ट हिंट। अब बारी आती है, मैं आपको अपने अपार्टमेंट को दिखाती हूँ। सबसे पहले बाहर का लुक मैं दिखाऊं कि ये कैसा है। तो ये है हमारे नन्हे मुन्ने पौधे जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, और ये है जुगाड़ू, देखो रिसाइकल किया गया है। ये बाहर है शुरक। यहाँ ना इस वाले पौधे को हमने कुछ ज्यादा ही पानी दे दिया था जिसकी वजह से इसका हाल ये हो गया है। और ये है हमारे वो दो पौधे जिनको हम प्लांट जिन्हें हम लेकर ही आए हैं। कल वाला व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसकी हम शॉपिंग करने गए थे, ये प्लांट्स लेने गए थे हम। इन्हें अभी ना अंदर रखना है, और यहाँ पर है ये वाला। इसको पता नहीं क्यों यार, इसको ना हमने छांव में रखा हुआ है, इसकी जो ये पत्तियां ना काफी ज्यादा येलो हो गई हैं, पता नहीं शायद हमने पानी ज्यादा दे दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रूम टूर को। आप इसे रूम टूर भी कह सकते हैं और अपार्टमेंट टूर भी कह सकते हैं। पहले सबसे पहले जो फ्रंट डोर है वो है ये जो जालियों वाला नहीं होता वो है यार, दिख रहा है। और ये है वुडन वाला डोर। और ये है 5-सीटर सोफा साथ में टेबल। टेबल के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज मैं आपको बताऊं तो ये सारे पत्थर ही हैं और इन्हें बस कलर किया हुआ है। ये हमारा ड्राइंग रूम आप इसे मान सकते हो। और साथ में जो ये है हमारी किचन, वैसे थोड़ी बिखरी हुई है बट है, यही है वो किचन। मॉडर्न किचन के नाम पे इन्होंने चिमनी दी थी, है मतलब चिमनी है बट इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिखाती हूँ मैं अपने किचन का लुक आपको। ये है चिमनी और ये है सिर्फ ड्रॉर। ये दोनों साइड ड्रॉर है और ये भी सारे ड्रॉर ही हैं यार। ये सिंक जिसका इसका तो कोई यूज। अब बारी है फिल्टर दिखाने की, और फिल्टर को लगे अभी 15-18 डेज ही हुए हैं। आप देख सकते हो इस फिल्टर का हाल, फर्स्ट थिंग। दूसरा, यहाँ पर होल नहीं है, एलपीजी की पाइप कहाँ से जाएगी और सिलेंडर कहाँ रखा जाएगा कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये है स्पेस बनी हुई है पर ड्रॉर नहीं बने। और ये था फर्स्ट रूम और ये है सेकंड रूम। सेकंड रूम में भी यही हाल है, वहाँ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ड्रॉर बने थे। यहाँ देखो, यहाँ आधे बने हैं और ऐसे ही रह गए हैं, बनकर ही रह गए हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं। और ये है वॉशरूम, वॉशरूम में भी आप सारा वॉशरूम देख सकते हो, ऊपर कहीं स्पेस नहीं, एग्जॉस्ट फैन नहीं है, हाँ विंडो है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो घर से बाहर रहने वाले हैं, या जिनके फैमिली मेम्बर्स घर के बाहर रहते हैं, या जिन्होंने अभी अभी अपार्टमेंट लेना है। अपार्टमेंट कोई रूम, जो हमारा अपार्टमेंट है वो 2 BHK है, तो वो तो आपने देख ही लिया होगा पूरे वीडियो में, मतलब मैं बताऊंगी आपको। तो सीन क्या हुआ ना यार, कि जब हमने अपार्टमेंट लेना था
तब तो इन्होंने कहा कि जो रूम है, हमने मतलब ये चीज़ खुद भी बोली कि इसमें तो कुछ है नहीं, सिर्फ ये तो जैसे बिल्कुल खाली खाली अपार्टमेंट है, और हमारी डिमांड थी कि हमें फर्निश्ड चाहिए था, तो रेंट भी उसी अकॉर्डिंग था, तो हम रेंट के लिए एग्री हो गए कि हाँ ठीक है, हमारी नीड पूरी हो रही है, हमें फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट चाहिए, वो मिल रहा है। बट मैं आपको बताऊँ यार, सीन क्या हुआ और धोखा क्या हुआ, ये है, इन्होंने हमसे पूरे पैसे लिए, इवन सिक्योरिटी भी, ठीक है, दो चीज़ें एक साथ हुई, सिक्योरिटी भी ली गई, सिक्योरिटी भी और रेंट भी। और जब हम लेने आए थे, मतलब जब इसे देखने आए थे ना, तो हमारे साथ डीलर था, इन्हीं का डीलर था, मतलब ये पूरी सोसाइटी है ना, तो सोसाइटी के बाहर ही डीलर था। उसने हमें कहा कि अच्छा ठीक है, हाँ ये सोसाइटी में अगर आपने लेनी है, अपार्टमेंट लेना है, तो आप ऐसा करो ना कि आपको डीलर के थ्रू ही ले सकते हो, ऐसे आप सीधे ऑनर से बात नहीं कर सकते। हमने कहा चलो ठीक है। तो बात ऐसी हुई कि हमने पसंद कर लिया, रेट फाइनल हो गया और सिक्योरिटी फाइनल हो गई, और ये भी बात होगी कि हाँ एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा होगा कि आपको फुली फर्निश्ड है ना, आपको रूम मिलेगा। पर आए हुए उसी रात को हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया, हाँ उसी रात को हमने शिफ्ट किया था। और ना ये बात इन्होंने हमें खुद कही थी कि आपको विद इन 2 to 3 days ना सारा सामान प्रोवाइड हो जाएगा, जैसे फ्रिज, ठीक है, फुली फर्निश्ड में बात हुई थी, फ्रिज, दूसरी थी दोनों रूम में गीज़र, और तीसरी बात थी कि आरओ होगा, फोर्थ एसी होगा, और एसी के साथ साथ ना आपको मतलब कोई भी अगर आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है, यहाँ रूम में रहते हुए कोई कुछ भी होता है, मतलब एक फिफ्थ चीज़ थी चिमनी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें बताना, ठीक। हमने सोचा चलो ठीक है। उस टाइम ना हमने ये चीज़ ध्यान नहीं रखी कि हमारे जो रूम में ना मिरर नहीं है, ये हमने मतलब ये तो बेसिक है ना, क्यों, और ऊपर से इन्होंने हमें ये चीज़ बताई थी कि ना जो घर इनका अभी 2 महीने पहले ही कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये पूरा अपार्टमेंट, और ऑनर नीचे ही रहते हैं, नीचे वाले फ्लोर में ही रहते हैं, और अभी कंस्ट्रक्ट हुआ, वो भी 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुए हैं, 2 से 3 महीने पहले शिफ्ट हुए हैं, बट अभी हमारे वाले रूम में कोई भी नहीं आया था, हम ही थे जो फर्स्ट इनके टेनेंट कह सकते हो वो। और इन्होंने क्या किया कि हम इनके पास ना, हाँ हमने 1 week तक वेट किया कि चलो कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है कि जो चीज़ की इन्होंने बात की हो, कई बार ऐसा होता है ना कि अब इतने भी हम वो नहीं है कि आपने हमें कहा था कि परसों ये सामान आ जाएगा तो परसों आ जाना चाहिए, पर मैं आपको बताऊँ यार नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, हम मतलब इतने ज़्यादा हम डिसअपॉइंटेड हैं इस बात से कि आपने रेंट लेते वक्त, सिक्योरिटी लेते वक्त ये कहीं बात नहीं की कि सामान आपका मतलब महीने के एंड, अब भी चल रहा है 22 आज भी हमारे पास फ्रिज नहीं आया, मैंने आपको किचन दिखाई ना, हमारे पास फ्रिज नहीं आया, और ये जो गीज़र और चिमनी हमने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, इवन ऐसा हो गया था कि हम काफ़ी बहस हो गई थी कि आपने तो ये कहा था, ये तो बेसिक चीज़ है ना, अब ठंड पड़ रही है तो गीज़र तो चाहिए, और चिमनी की हमने इतनी ज़रूरत नहीं थी, पर चिमनी को हमने नहीं कहा, सिर्फ हमने गीज़र को कहा था और फ्रिज को कहा था कि अगर आप ये दोनों चीज़ें भी प्रोवाइड करवा दो, क्योंकि ऊपर मतलब रेंट हमने फुली फर्निश्ड का दिया है, आपने बेड दे दिया है और सोफ़ा सेट दे दिया, तो आपको लग रहा है कि हाँ मतलब मैंने जो कहा था एज अ ऑनर, मैंने वो चीज़ प्रोवाइड कर दी है, और इसके अलावा हमने उसको भी पैसे दिए हैं जो हमारा डीलर था, उसने हमारी साइड से भी पैसे लिए और ऑनर की साइड से भी पैसे लिए, अब भी हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम किसके पास जाएंगे, हम ऑनर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि यहाँ ये चीज़ नहीं हो सकती। एग्ज़ाम्पल के रूप में तो मैं आपको क्या बताऊँ कि अभी रिसेंटली ना हमारे वॉशरूम में जो टैप थी वो ख़राब हो गई, ठीक है, तो उन्होंने किया कि हमने उन्हें ना 2 बार कहा, तो 2 बार तो उन्होंने कहते चलो ठीक है देख लेते ऐसे, मतलब ऐसे ही गए वो, उनका कोई रिएक्शन नहीं था, उन्होंने देखा भी नहीं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है सीधे। और तीसरी बार जब हमने थोड़ा ज़्यादा ही मतलब एक्शन के साथ, एक्शन कह सकते हो आप, थोड़ा सा गुस्से में कहा कि अंकल जी हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उनका आगे से था कि प्लम्बर नहीं आते यहाँ पे, आपका अपना घर है, अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही हो तो वो तो
तो प्लम्बर नहीं आएंगे। दूसरा एग्जांपल है हमारे ना रूम में मिरर ही नहीं है, मिरर है ही नहीं है। उसको भी कहा कि अंकल जी, हमने पूरी फैमिली से बात कर ली है यार कि हम एज अ गर्ल हैं, आपको पता है कि मिरर की ज़रूरत होती है और ये बेसिक ही है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई हाई फाई डिमांड कर रहे हैं और ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो आपने कही थी, मतलब जो बहुत ही वक्री है, पता ही नहीं है ये चीज़ की नहीं होनी चाहिए। तो आगे से इनका रिस्पॉन्ड पता है आपको क्या आया कि हम ना अलमीरा जब बना रहे थे ना तब हमने सोचा था कि मिरर लगा देते हैं, बट अब वो ही चला गया तो अब थोड़ा ना कुछ हो सकता है, अब तो आपने रूम ले लिया। मैं कि ये सही है यार, और हमने ये बात उस टाइम रखी थी जब हमने रेंट पर रूम लेना था ना, तब हमने ये बात रखी थी, तब ये कहते कि हाँ 3-4 दिनों में हो जाएगा। अगर आप उसी टाइम बता दो कि हमसे हम कुछ नहीं करने वाले, आप जितना मर्जी चीख चिल्ला लो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो शायद हम रूम लेते ही ना यार, तब हम कोई और जगह देखते जो हमें सूटेबल होती, जो हमारी कंडीशंस होती है और जो ऑनर की कंडीशन होती है उसके ऊपर, जो हम दोनों मतलब दोनों पार्टीज़ का एक कहते हैं ना लेवल सेट बैठता, तो वो देता है। अगर आपको प्रॉब्लम थी या कुछ भी आपको इश्यूज थे तो आपको उसी टाइम कर देना चाहिए था कि नहीं हमसे नहीं होगा, या आप कंडीशन ही पहले लिख देते कि जो रूम जैसा दिख रहा है ना आपको बस ऐसा ही मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। इम्प्रूवमेंट नहीं मतलब देखो, मिरर और अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम आप ही के पास आएंगे ना, आपको ही बताएंगे, बट नहीं इनका कोई रिस्पांस नहीं है। और अब भी हमें जो हमारा एक वॉशरूम है उसी में गीज़र लगाया है, मतलब उस दिन हमें थोड़ा सा इनके ऊपर हम मतलब खिंच गए थे इस बात को लेकर, और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था यार कि हम मतलब इतने अमाउंट दे रहे हैं है ना, और उसके बाद भी ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं हमारे साथ कि सामान ही नहीं दे रहे हैं, जो मतलब इन्होंने खुद बोला था वो वर्ड्स पे ही नहीं रह रहे हैं। तो गीज़र इन्होंने एक ही वॉशरूम में दिया, और ये बात थी कि दोनों वॉशरूम में होगा, और जितनी जगह, ये तो मतलब कॉमन सेंस है कि जितने वॉशरूम में अगर आप रेंट पे रूम ले रहे हो तो, और ये चीज़ बात मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतना इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं। और फ्रिज अभी तक नहीं आया, आज 22 है और हमारे पास एक मिनी फ्रिज था उसी के साथ काम चल रहा है, तो फ्रिज का अभी तक कोई सीन नहीं बैठा है। जो किचन का सिंक है ना, सिंक भी लीक करता रहता है सारा टाइम, मतलब अगर आप उसमें बर्तन धुल के चले गए हो तब भी वो सिंक से पानी, जो टैप्स हैं, टैप्स और जो पाइप्स हैं ना वो सारी ऐसी ही हैं, मतलब लीक कर रही हैं। किचन वाली तो मैं बात कर रही हूँ, और किचन में जो स्लैब है, स्लैब में होल ही नहीं है, जो LPG की जो पाइप होती है ले जाने के लिए, अंदर से रखने के लिए, वो होल ही नहीं है। एग्जॉस्ट फैन नहीं है यार, और उस टाइम ना हमने ये चीज़ जब बात की कि तो कहते ये विंडो है अभी काम चल रहा है कहीं और, अगर वहाँ पर मतलब वो भी जल्दी ख़त्म कर लेंगे, 10-20 दिनों की बात है, 10 दिनों की बात है, हमने कहा 10-15 दिनों की बात है फिर वो हमारे पास आएंगे, हमने ये सारा काम कंप्लीट करवाना है। अब सारा काम कंप्लीट कब करवाओगे, मतलब हमने बाद में ना डीलर को भी फ़ोन किया तो डीलर वाले ने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ये हाल है। ये बंदा जाए तो जाए कहाँ, ऑनर से बात करे तो वो कहता है डीलर से बात करो, डीलर से बात करो वो कहता है ऑनर से बात करो, और अपने वर्ड से ही फिर जाना, मैंने यहाँ देखा है। एक और बात, एसी की भी बात हुई थी, बट हमें लगा कि सीज़न नहीं है तो एसी की भी डिमांड क्यों रखनी, मतलब हम इतने अंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक के भी अंडरस्टैंड हमने कर लिया था कि जो चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का क्यों करना, पर वॉशरूम में गीज़र एक साइड, प्योरीफायर जो है ना, मैं आपको मुझे 15 डेज़ हो गया उसे यूज़ करते हुए, और उसका पानी का टेस्ट ना चेंज हो गया। मैंने आपको दिखाया था ना कि प्योरीफायर का तो एक साइड है वो बिल्कुल ही ब्लैक हो गया है, जो उसका फ़िल्टर करता है पानी को, जो फ़िल्टर करता है वो ब्लैक सा हो गया है, पता नहीं उसका भी क्या सीन बनना है। गीज़र एक छोटा वाला लगा के दे दिया, चलो वो भी एडजस्ट कर लेते, पर दोनों में तो दोनों यार, वॉशरूम दो हैं तो दोनों की बात हुई थी, ये तो हुआ ही नहीं था, ये तो कहीं नहीं कहा गया था कि, और कहीं ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक अपार्टमेंट ले रहे हो तो उसके एक ही वॉशरूम में गीज़र लगा होगा, पता नहीं। और आपने देखे ना ड्रॉर, कुछ जो किचन वाले ड्रॉर है वो तो ठीक है, बाकी जो दूसरे ड्रॉर है, जो मतलब लिविंग रूम वाला जो ड्रॉर था वो भी ऐसे ही खाली छोड़ा हुआ है। और ये बात इन्होंने कही थी कि ये हो जाएगा
पर वो जो कारपेंटर है इनका वो चला गया है, वो वापस आएगा. अब वो कब वापस आएगा वी डोंट नो. तब तक ऐसे ही एडजस्ट करो. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय. और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना.